अच्छे वक्त को पाने के लिए बुरे वक्त से जरूर गुजरना पड़ता है। बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स हैं जो अभी इस बुरे वक्त पे, बुरा वक्त तो नहीं बोलूंगा, जो फेलियर्स हैं, जो फीडबैक्स अभी तक के मिलते आ रहे हैं उनके करियर में, उन फेलियर्स को, उन फीडबैक्स के पॉजिटिव को जानते हुए कैसे अपने करियर में सक्सेस को लाएंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन बात करते हैं इंटरव्यू की। बहुत सारे इंटरव्यूअर्स में फेलियर्स मिल रही हैं, बट क्या वो फेलियर्स हमारी फीडबैक्स हो सकती हैं? क्या क्या किस तरह से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से हम उनको बताते हैं, ये बारे में हम पूरा जानेंगे। और कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक इंटरव्यू में। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इंटरव्यू सेशंस, जिसमें आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसके बारे में कंप्लीटली जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसमें आपसे यही पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज अ सिविल इंजीनियर्स। हम एज अ सिविल इंजीनियर अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए बहुत सारे इंजीनियर्स यहाँ पे अपने इंट्रो से स्टार्ट करते हैं कि मेरा नाम ये है और मैंने यहाँ से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। फिर उसके बाद अपनी हॉबीज और अपनी स्किल्स में बोलते हैं आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमको इग्नोर करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को कैसे एक इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट करूंगा, तो मेरा नाम किशन ओझा है, मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग 2015 में कंप्लीट करी। कंप्लीट करने के बाद मैंने ये कंपनी में अपने लिए अप्लाई किया था एज अ दिस डेजिग्नेशन के लिए, वहां पे मैंने ये स्किल सेट्स में काम किया है और उसके बाद मैं अब कंपनी स्विच करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने आप को और न्यू चैलेंजेस देना चाहता हूं, जिसमें मैं न्यू कंपनीज में न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वहां पे वर्क करूंगा। तो यहां पे हमको ये ध्यान रखना है कि हमको अपने कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात नहीं करनी है, ना ये अपने हॉबीज के बारे में बताना है, कुछ नहीं। बस आपको अपने स्किल्स के बारे में बताना है कि हाँ, मेरे को एस्टिमेशन निकालने आता है, आई नो हाउ टू रीड आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, उसके साथ में ही उसको देखते हुए उसका BBS सॉल्व करना, क्वांटिटी सर्वे निकालना, उसके बाद पूरी प्लानिंग करना MSP के थ्रू, प्राइमावेरा के थ्रू। तो ये सारी स्किल्स के बारे में आपको पहले ही बता देना है। आई नो ये सारी स्किल्स आपके रिज्यूमे में भी लिखी होंगी, बट जो भी चीज़ें यहाँ पे आप बोलते हो उसी से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे अगर 10th में आपका 55% है, 60% है, उसको बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली ये बताइए कि आपने BE कंप्लीट किया है, BE में अगर परसेंटेज अच्छे हैं तो परसेंटेज के बारे में बताइए, कौन से ईयर में किया है, क्या क्या प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करा है आपने, प्राइवेट जॉब में काम किया है, जो भी। तो इस तरह से अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो को देखते हुए यहीं पॉज करके आप पहले अपने इंट्रोडक्शन बना लीजिए कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, कैसे 2 मिनट में आप अपने बारे में सामने वाले को बता दोगे। हेलो इंजीनियर, सिविल गुरुजी अनाउंस करते हैं इंडिया की सबसे पहली फिजिकल ट्रेनिंग। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, फिजिकल प्लस डिजिटल फिजिकल ट्रेनिंग आप लोगों के लिए 1 जुलाई से इन रेस्पेक्टिव ब्रांचेस में। अब आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं सिविल गुरुजी के साथ, इन कोर्सेज के साथ, और अपने करियर के उन ग्रोथ तक पहुंच सकते हैं जिसके आप रियली में हकदार हैं। अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो बहुत सारे जितने भी टेक्निकल चीजें होती हैं, एस्टिमेशन, BBS, सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, ये सारी चीजें आप लोग सीखेंगे और वो भी फिजिटल मॉड्यूल के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप अभी कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे। और जाते ही जाते एक और अनाउंसमेंट कि अब सिविल गुरुजी आप लोगों से चार्ज लेगा 70% आफ्टर प्लेसमेंट। तो बिल्कुल भी देरी मत करिए, आज ही कॉल करिए 9111001234 पे और इंडिया की सबसे पहली फिजिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करें आज। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। सो व्हाट इज द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, क्योंकि आप जब भी पानी को मिक्स करते हैं उस कॉन्क्रीट में, तो वहां पे किस तरह का रिएक्शन जनरेट होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ वाटर, केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ एसिड, केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ बेस, केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विथ सॉल्ट एंड एसिड। अब इसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपको ये पूछा गया है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है। तो जस्ट आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है
वो ये है कि केमिकल रिएक्शन होता है आपका सीमेंट और वाटर के बीच में। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी है, ये पीपीटी मैं आपको नीचे लिंक में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके भी इसके आंसर्स को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो कितना जरूरी है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को जनरेट करने के लिए। 5 सेकंड है आप लोग पास, जल्दी से आंसर्स को देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस, ये पूरे आपके ऑप्शंस यहाँ पे सिलेक्टेड हैं। आपको बस ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। जैसे हम किसी भी सीमेंट में वाटर को मिक्स करते हैं, वहां पे एक हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है, तो कितना पानी या कितना वाटर सीमेंट रेशियो हमको मेंटेन करना है कि वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जनरेट हो, उसके लिए जो आंसर है आपका वो ये है, मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.60। इसका अगर एकदम एक्यूरेट आंसर बोले अपन तो 0.36 होता है, बट आप ये वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे जाएं तो हाउ मेनी टाइम्स इन ईच लेयर ऑफ कॉन्क्रीट रॉडेड इन स्लम कोन, इसका मतलब कि जब आप स्लम कोन में कॉन्क्रीट को फिल करते हैं तो उसमें जो रॉड टेम्परिंग रॉड से हम लोग उसको फिक्स करते हैं, टैम्प करते हैं, तो वो कितने बार हमको करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके 75, 12 to 15, 25 और 35 to 65। क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर है आपका 25, कि हम कोई भी लेयर होगी स्लम कोन की जिसमें हम लोग कॉन्क्रीटिंग करवाते हैं, तो उसके लिए ईच टाइम ईच लेयर इज टेम्परेड 25 टाइम्स विद अ 2 feet लॉन्ग बुलेट नोज मेटल रॉड, जिसकी थिकनेस या डाया की बात करूं तो 16 mm की होती है, जो टेम्परिंग रॉड है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है कि जब भी हम लोग कॉन्क्रीट को फिल करते हैं स्लम कोन में, तो जैसे जैसे लेयर्स में फिल करते जाते हैं उसको 25 बार हमको टेम्परिंग रॉड से उसको पुश करना पड़ता है, टैम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अपरेटस इज जनरली यूज टू मेजर द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अब साउंडनेस ऑफ सीमेंट से क्या समझ में आता है कि जो चेंज होता है वॉल्यूम में उसके कॉन्क्रीट के, उसके कैलकुलेशन को साउंडनेस ऑफ सीमेंट बोलते हैं, जिसके लिए हम लोग कौन से अपरेटस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हो, विकेट अपरेटस, साउंडनेस मीटर, डफ एब्राम्स अपरेटस या लीड चैटलियर अपरेटस। तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको क्या लगता है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ली चैटलियर अपरेटस। तो द अपरेटस कंडक्टिंग द ली चैटलियर टेस्ट शुड बी कंफर्म टू IS 551419 69। यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी है कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट को हम लोगों को चेक करने के लिए ली चैटलियर अपरेटस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वॉट इज इनिशियल सेटिंग टाइम। आप लोगों ने पूरा इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम अपने कॉलेजेस में भी पढ़े हैं, जिसके लिए हम लोग विकेट अपरेटस का यूज करते हैं। यहाँ पे एक आंसर ये भी होता है कि हाँ, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स का होता है, फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 आवर्स का होता है, बट वॉट इज इनिशियल टाइम बोल रहा है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है इसका करेक्ट आंसर। अगर बात करें तो जब हम लोग वाटर मिक्स करते हैं उसके बाद से जो सीमेंट की है प्लास्टिसिटी उसको स्टार्ट करती है लूज करना, तो व्हेन द सीमेंट पेस्ट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी, वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। अब यहाँ पे ये इंग्लिश या हिंदी का अगर मैं फैक्टर बोलूँ, तो आप अगर हिंदी में भी आंसर करने जाएं तो यहाँ पे हमको कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं इनको यूज करना ही होगा। तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम वो होती है जब सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके साथ आपके एक्सप्लेनेशंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो IS कोड यूज फॉर ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। अब एग्रीगेट्स की बात करें तो फाइन एग्रीगेट वो है जो 4.75 mm की सीव से पास हो जाते हैं, कोर्स एग्रीगेट वो है जो 4.75 mm की सीव से रिटेन हो जाते हैं। फाइन एग्रीगेट्स में अगर बात करें तो सैंड के 4 जोन्स होते हैं, जिसमें से अगर RCC या कॉन्क्रीटिंग की अगर बात करें तो Zone 3 सैंड यूज होता है, और अगर एग्रीगेट की बात करें कोर्स एग्रीगेट की, तो जब भी हम लोग PCC की बात करते हैं तो 40 mm, 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट्स यूज होते हैं, और RCC में आपके 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट यूज होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये डिसाइड करने के लिए जो IS कोड्स हैं कि कौन से जोन का होगा, क्यों ये जोन्स में डिवाइडेड हैं, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए जो IS कोड है वो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका IS 386, IS 456, IS 383 और IS 1200। क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का आईएस कोड जो हम लोग फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं वो आईएस यूज करते हैं आपका आईएस 383, जिसमें आपको कंप्लीटली फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के ग्रेडिंग जोन्स और कैसे हम इसकी डेंसिटीज और ये सारी चीजों के बारे में कंप्लीटली इस में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आपका वर्क ऑफ एडमिक्सचर इन कॉन्क्रीट। अब यहाँ पे हमको ये सब भी समझना है कि एडमिक्सचर का रोल क्या होता है। सबसे पहले तो जो डिफरेंट टाइप के एडमिक्सचर्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेटर्स, रिटार्डर्स, वाटर रिड्यूसर्स, प्लास्टिसाइजर्स, ये सारी चीज़ें का अपना अपना एक रोल है। तो बेसिकली एडमिक्सचर कॉन्क्रीट में मिक्स क्यों किया जाता है उसके लिए यहां पे आप चार ऑप्शंस देख पा रहे हैं। क्या लगता है इसमें से सही आंसर क्या होगा? इन चारों ऑप्शंस में अगर बात करें तो एनहेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, टू चेंज द कलर ऑफ कॉन्क्रीट, टू चेंज द डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, टू रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसके लिए सही आंसर है आपका एनहेंस द प्रॉपर्टीज। तो यहां पे बात करें एडमिक्सचर्स की, तो इन एडमिक्सचर्स को सिर्फ इसीलिए ही डाला जाता है ताकि कंक्रीट में हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सके। कहीं कहीं पे हमको उसकी स्लो सेटिंग की जरूरत होती है, कहीं कहीं पे फास्ट सेटिंग की जरूरत होती है, कहीं कहीं पे आपके मास कंक्रीटिंग में अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स यूज होते हैं, तो उसके लिए हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर आरसीसी। आप लोगों ने रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के बारे में सुना है, तो रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए हम लोग कौन सा मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट को यूज करते हैं? ग्रेड्स की बात करें तो M5 से लेकर M25 तक के है, जिसमें M20 तक के आपके नॉमिनल मिक्सेज होते हैं और M25 अप टू M80 तक में आपके मिक्स डिजाइन होते हैं। थोड़ा सा इसमें हिंट दूं तो मैं, नॉमिनल मिक्सेस में आपके पास ऑलरेडी प्रोपोर्शंस गिवन होते हैं और मिक्स डिजाइन में हमको प्रोपोर्शंस को फाइंड आउट करना होता है। तो नॉमिनल मिक्सेस में किसी तरह का कोई साइंटिफिक बेस कैलकुलेशन हमको जरूरत नहीं पड़ती, बट मिक्स डिजाइन में हमको साइंटिफिक बेस प्रोवाइड करना पड़ता है और कैलकुलेशन ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू करना होता है। तो मिनिमम ग्रेड जो हमको कॉन्क्रीट के लिए करना होता है क्या लगता है? M7.5, M10, M20, M15 क्या हो सकता है सही आंसर? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है यहां पे है M20। M20 का ही यूज करते हैं हम लोग यहां पे इस कॉन्क्रीटिंग को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ सिविल इंजीनियर ऑन साइट, यह भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं। तो फ्रेशर या एक्सपीरियंस के लिए भी हमको यह पता होना चाहिए कि सिविल इंजीनियर साइट में खड़ा है तो लेबर मैनेजमेंट के लिए ही नहीं, उसके अलावा मटेरियल मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन के लिए भी होता है। तो इसके लिए हम सही आंसर ये दे सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स फेस होती है एक सिविल इंजीनियर को साइट में, सबसे पहले तो लेबर की ही होती है कि हमको एक स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। अगर हमारे लेबर्स अनस्किल्ड हों तो वहां पे मेरा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो डिले हो सकता है। उसके साथ साथ में सिविल इंजीनियर्स को ये प्रॉब्लम होती है अगर डिजाइन या ड्राइंग में फॉल्ट है तो वहां पे हमको किसी तरह की ये दिक्कत हो सकती है कि वहां पे भी हमारा डिले हो सकता है प्रोजेक्ट अगर उस डिजाइन या ड्राइंग्स में चेंजेस है। तीसरी चीज मटेरियल मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे अभी बरसात का मौसम आने वाला है तो वहां पे सिविल इंजीनियर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वहां पे भी एग्जीक्यूशन में डिले हो सकता है पानी बरसात के कारण, तो उस केस में हमको जो मटेरियल्स है उसके स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ता है। चौथी बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग में ये होता है कि हमने जो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि हमारा प्रोजेक्ट इतने से इतने ड्यूरेशन में चलना चाहिए, बट इसके अलावा भी प्रोजेक्ट डिले होता है, तो ये जो प्रोजेक्ट डिले है यही मेन प्रॉब्लम होता है एक सिविल इंजीनियर्स का। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा टाइम ज्यादा हो गया, कॉस्टिंग भी ज्यादा लगेगी और कहीं ना कहीं ये कॉस्ट और ये टाइम को बचाने के लिए बाद में मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करूं, तो इस चीज पे बचना है कि हमको हमेशा कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी, ये तीन चीज पे फोकस करना है। सिविल इंजीनियर्स की मेन प्रॉब्लम यही तीन होती है। ये तीनों को अगर मेंटेन करते हुए चलें कि जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस टास्क के लिए जितनी कॉस्टिंग, जितना अमाउंट एलोकेटेड है वो काम उतने ही पैसों में हो जाए, जितना टाइम एलोकेटेड है उतने ही स्पेसिफाइड टाइम में भी वो कंप्लीट हो जाए क्वालिटी को ध्यान रखते हुए, तो प्रॉब्लम्स ये फेस होती है सिर्फ एक टाइम डिले का। दूसरी चीज आती है लेबर का। अगर मैं अपने साइट की बात करूं तो वहां पे जब मैं अपने साइट पे वर्क कर रहा था
तो वहां पे हम पाइल प्रोसीजर्स करवा रहे थे, पाइलिंग करवा रहे थे। तो पाइलिंग के लिए हमने एक टीम बुलवाई थी, वेस्ट बंगाल तरफ से आई थी एक टीम, जो कि हैंड के थ्रू, क्योंकि हम लोग को एक साइड में सिर्फ 15 पाइल ही करवानी थी, तो हमने TMR ना यूज करते हुए हैंड पाइलिंग करवाई, क्योंकि वहां पे आपके ट्रांसपोर्टेशन जो मोबिलिटी है वो हम लोग वहां प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो वहां पे हैंड मैनुअल के थ्रू ये हो रहा था कि वहां की जो मिट्टी थी वो काली मिट्टी थी और बहुत धंस रही थी, तो जो लेबर्स थे उनकी मेहनत एक बार करने के बाद फिर वो मिट्टी धस जाती थी, फिर उनको करना पड़ता था। तो ऐसे कर करके लेबर्स बार बार भागते जा रहे थे। तो इसके सॉल्यूशंस को हम लोगों को देखना था कि ये प्रॉब्लम आ रही थी तो इसके सॉल्यूशन को कैसे कर सकते हैं। तो पाइलिंग में आप लोगों ने केसिंग पाइप्स के बारे में सुना होगा, केसिंग पाइप्स को लगा दिया जाता है ताकि जो मिट्टी गिर रही है बार बार वो ना गिरे। अब ये टेम्पररी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी प्रॉब्लम्स, तो आप अगर साइट में ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे तो आपके साइट में जो भी प्रॉब्लम्स आई होंगी उनको आपको डिस्कस करना है, और उन सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही नहीं उनके सॉल्यूशंस को भी आपको डिस्कस करना है कि कैसे आपने उसका सॉल्यूशन को प्रोवाइड किया था वहां पे साइट में रहते हुए। और फ्रेशर अगर इंजीनियर्स की बात करें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है, तो आप कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी की भी बात कर सकते हैं। क्वालिटी में बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने पैसे बचाने के लिए भी काम करते हैं, तो सिविल इंजीनियर का काम ये भी है कि अगर वहां पे लिखा हुआ है कि एक जो कॉन्क्रीटिंग हो रही है फुटिंग की, वहां अगर 10 बोरी डालनी है तो वो 10 बोरी डालनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि जमीन पे मिक्सिंग चल रही है, प्रॉपर वहां पे RMC फ्यूरी या मशीन मिक्सिंग होनी चाहिए। ये सब क्वालिटीज का हमको ध्यान रखना है। कॉन्क्रीटिंग होने से पहले वहां पे प्रॉपर क्यूब्स हो, कोई भी वर्क करवाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सही हो, हर तरह के रिपोर्ट्स आप लोगों के पास अवेलेबल हो, तो एक फ्रेशर भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, क्योंकि उसको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। सिर्फ आपको टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी पे फोकस रखना है। यही तीन प्रॉब्लम्स हैं जो एक साइट पे आती है, और जो साइट एक्सपीरियंस है उन्होंने ऑलरेडी ये चीज फेस करी है, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे आपने सॉल्यूशन पे कन्वर्ट किया उस चीज पे आपको फोकस करना है। तो ये सब बातें थी आपकी जो भी इंटरव्यू में हो सकती हैं आपसे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, कि आपको अपना इंट्रोडक्शन 2 मिनट में इतना प्रिसाइसली रखना है, उसमें हॉबीज के बारे में नहीं बात करना है, हार्ड वर्किंग हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये फोकस करना है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है सिविल इंजीनियर की, उसको आपको वहां डिस्प्ले करना है। अपने नेगेटिव्स के बारे में नहीं, सिर्फ अपने आपको पॉजिटिव्स के बारे में ही कंपेयर करना है। दूसरे, आपसे सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हो सकता है आपसे 10 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएं जिसमें से सिर्फ आप 6 या 7 का ही आंसर दे पाए, तो यहाँ कॉन्फिडेंस आपकी की है कि आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हुआ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, गलत आंसर नहीं देना है और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करना है। फिर लास्ट आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक फेस कर सकता है एक सिविल इंजीनियर। देन उसके बाद आपके सैलरी नेगोशिएशन की बात आती है, उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, और जितने क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड और भी क्विजेस हमारे ही यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। ये तो एकदम जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस है कि एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे। इसी तरह के क्वेश्चंस और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेशन के लिए आपको एक क्विज चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट में सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि हाँ हम फेलियर्स करेंगे, बट उन फेलियर्स के जो फीडबैक्स हैं उन फीडबैक से हम कैसे समझते हैं और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाते हैं एक सक्सेसफुल या एक स्किल्ड इंजीनियर के थ्रू। तो इस चीज पे हमको फोकस करना है, फेलियर्स पे फोकस नहीं करना है, बस इतना ही है। इसके बाद ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए, बने रहिएगा ऐसे ही सिविल गुरुजी के साथ।